हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा बस करती हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं और आज है होली। होलिका दहन है आज, तो बस सब तैयारी चल रही है, खाने की भी तैयारी हो गई है। और सुबह मैंने खाने में नहीं बनाया था पक्का खाना, क्योंकि ये ड्यूटी गए थे और सुबह मैंने मशीन वसीन लगाई थी। मैंने कहा शाम को ही बनाएंगे आराम से। तो मैं खीर बनाई है, कचौड़ी बनाई है, रायता बनाया है, कद्दू की सब्जी, पूड़ी, यही सब। तो मैं सेकूंगी पूड़ी वगैरह अभी, कचौड़ी तो सब तैयारी सब कर दी है, सब्जी खीर सब बन चुकी है, रायता वगैरह। और पूजा की भी तैयारी करके आई हूँ बाहर, तो ये कर रहे हैं गुलरी की माला वगैरह वो रख रहे हैं। तो पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं होलिका दहन की। और कल है होली, कौन कौन होली खेलेगा तो बताना, मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी कल, तो क्योंकि पापा का पहला त्यौहार पड़ रहा है तो हम लोग सब लोग वहीं जाएंगे। तो चलिए फटाफट से पूजा के लिए मैं भोग बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने होली जलाएंगे, वहाँ मैंने पहले चौक पूर दिया था, उसके बाद ये जो गुलरी है, गुलरी की माला, तो ये हम बाजार से ही ले आए थे, बनी हुई 5 माला खरीद लाए थे। तो बस यहाँ इन्होंने लगा दी थी, फिर मैंने उनके लिए भोग बना दिया था और यहाँ मैं कर देती हूँ पूजा। जब गिरिराज जी मंदिर है हमारे पास में, वहाँ बड़ी होली लगती है, वहाँ की होली जल जाएगी, फिर हम अपने घर की होली जलाएंगे। तो वहाँ से हम लोग कंडी ले आते हैं जली हुई, फिर यहाँ इसमें लगा के और बस घर की होली भी जला देते हैं। और यहाँ मैंने कर ली है पूजा, गुलाल वगैरह सब कुछ लगा दिया है और यहाँ खाना भी बन चुका है। तो यहाँ बूंदी का रायता, कद्दू की सब्जी, खीर, कचौड़ी, पूड़ी, बस यही सब बनता है त्यौहार में। तो बस मैंने यही, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने फिर मटर ये बोल रहे थे मटर पनीर बना दो, फिर मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना बन गया वही बहुत है। तो बस यहाँ पर कचौड़ी सीख गई है, तो मैं भगवान जी के लिए तो मैंने थाली निकाली दी है, उसके बाद मैंने बच्चों के लिए, दोनों के लिए सेक के रख दी थी कि घर की भी होली जल जाएगी, उसके बाद ही खाना खाएंगे सब लोग। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए सेक के रखी है, ये कचौड़ी खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं, तो इनके पूड़ी खाएंगे तो इनके लिए मैं तभी सेकूंगी। और आज होली इस बार ना जल्दी भी जल गई थी, 8 बजे करीब, तो ये गए थे, मैं यहाँ सेक रही हूँ जब तक ये कंडी लेने गए हैं बड़ी होली से, तो वहाँ से ये कंडी लेके आ गए हैं। तो अभी हम घर की भी होली जलाएंगे, तो बस यहाँ पर घर की होली जलाने के बाद पूजा वूजा करके और बस फिर खाना वाना खा लेंगे, हम लोगों में तो यही सब होता है। क्लिपिंग तो मेरे होली के खेलने वाली होली पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी और मैं मम्मी के यहाँ गई थी, मगर मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मैं वहाँ बस लेटी रही। मैं आपसे बोल रही थी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैंने फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये होली खेलने वाले के 3रे दिन का क्लिपिंग है। तो यहाँ बड़े भैया आया हुआ था दिल्ली से, तो भाभी भैया दोनों घर पे आए थे, छोटे भाभी भैया नहीं आए थे क्योंकि फिर घर पे भी कोई एक जना रहना चाहिए, और टीटू की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो शायद संडे को आएंगे। तो यहाँ भैया फिर चला जाएगा, तो बोला चलो मैं तो घूम ही आता हूँ। तो भैया भाभी बड़े वाले ही दोनों आए थे, तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पहले होली वाला ही वीडियो बना रखा था, डल ही नहीं पाया था, मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इन सबको भी ऐड करके उसके बाद मैं वीडियो डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर भाभी भैया आए हैं, तो बस मैंने वही नाश्ता वगैरह लगा दिया है, तो वो लोग खा रहे हैं। उसके बाद मैंने दही पापड़ी जो बनाई थी चाट, वो मैंने यहाँ पर लगा दी है सबके लिए। उसके बाद भैया बोला चलो बड़ी दीदी के यहाँ भी चलेंगे, तो यहाँ सब खा पी के हम लोग शाम को, दीदी बड़ी वाली मेरी पास में ही रहती हैं, तो फिर हम बड़ी दीदी के चले गए थे। और बड़ी दीदी ने इस बार अपना घर पूरी होली वाला थीम रखा था उन्होंने हॉल में, तो आपको वही मैं दिखा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो दीदी का घर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो दीदी ने बड़े अच्छे से घर को डेकोरेट कर रखा था, पूरी होली वाली फीलिंग सी आ रही थी जाके। तो यहाँ सारे कुशन वगैरह सब होली के, पर्दे वगैरह सारा, यानी कि होली का ही पूरा वो था उनके।
तो यहाँ पे मैं वही मैं आप लोगों को घर दिखा रही हूँ दीदी का। और दीदी के बच्चे वगैरह तो सब बाहर रहते हैं, दो बच्चे, डॉली की शादी हो ही गई है, राहुल बाहर रहता है, तो दीदी का घर एक बार सेट कर देती हैं तो उनका सेट ही रहता है। और तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ उनके सारे रूम। तो डॉली का भी आया था कि मौसी मुझे मम्मी का दिखाना, मम्मी का हॉल कैसे लग रहा था, मम्मी ने कैसा सजाया है हॉल, तो वही मैंने कहा चलो तो वीडियो बना लेते हैं। और दीदी के यहाँ जो आता है वो झूले पे फ़ोटो तो ज़रूर खिंचाता है, तो यहाँ भैया भाभी भी फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, हम लोगों ने भी खिंचवाए थे, हमने पहले पिछली होली पे भी आपने ब्लॉग देखा होगा शायद, उसमें भी हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे। तो यहाँ पर बस भाभी के फ़ोटो वगैरह मैं खींच रही थी, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो भी बना देते हैं, इनकी भी छुट्टी थी तो ये भी घर पे ही थे, तो बस मैं भी इनके साथ अपना फ़ोटो वोटो खिंचवा रही थी। तो ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, मैं आपसे फिर मिलूँगी अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।